प्रदेश में चुनावी बिगुल बजते ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। प्रचार प्रसार का शोर सुनाई देने लगा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं चुनाव आयोग भी प्रदेश में शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए कमर कस चुका है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर छोटी बड़ी जानकारी साझा की और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। अब चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कौन सी जानकारी साझा की। ईवीएम और वीवीपैट से ही विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग के पास 25,629 कंट्रोल यूनिट मौजूद है। वहीं 41,363 बैलेट यूनिट की संख्या है। साथ ही वीवीपैट की भी 27,741 मशीनें लगाई जाएंगी। चुनाव आयोग ने बनाई है सी विजिल ऐप, जिसके जरिए शिकायत की जा सकती है, जिस पर 100 मिनट में जवाब देना होगा। वहीं 85 साल से ज्यादा के मतदाता पोस्टल बैलेट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एसेंशियल सर्विसेज के लोग भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार चुनाव में 225 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की गई है, जिसमें से 70 कंपनी चुनाव आयोग को मिल चुकी है, और सुपरवाइजरी अधिकारियों की गाड़ी में GPRS लगाए जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम 3 बार प्रकाशित करने होंगे और चुनाव में उम्मीदवार 40 लाख तक ही खर्च कर सकेंगे। इस बार लोकसभा के मुकाबले नए 817 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं हरियाणा में 17 विधानसभा सीट आरक्षित सीट होगी। चुनाव होने हैं उसकी 5/9/24 को, 5 सितंबर को उसकी नोटिफिकेशन समस्त आरओ द्वारा जारी की जाती है अपने विधानसभा क्षेत्र में, और लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो 12 सितंबर होगा। 13 तारीख को स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन टेकअप की जाएगी, जो में समीक्षा की जाती है नॉमिनेशन पेपर की, और विड्रॉल 16/9/2024 तक हो सकेगा, और डेट ऑफ पोल जैसा आपको विदित है 1 अक्टूबर 2024 में सुबह 7 बजे ऑनवर्ड्स रहेगी वोटिंग की प्रक्रिया, और जो काउंटिंग है वो 4 अक्टूबर 2024 को होगी, और काउंटिंग जो है वो हरदम के हिसाब से 8 बजे सुबह आरंभ होगी, और ये सारी जो चुनाव की प्रक्रिया ये 6 अक्टूबर तक इसको पूर्ण किया जाना है। तो ये तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसका ये शेड्यूल है। आपको बता दें कि इस बार कुल मतदाताओं की संख्या 2,02,18,427 होगी, जिसमें 85 साल से ज्यादा के मतदाता 2 लाख, 100 साल से ज्यादा के मतदाता 9,544, और पुरुष मतदाता की संख्या की बात करें तो 1,60,14,564। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 95,34,407 होंगी। ट्रांसजेंडर मतदाता भी 455 होंगे। पुरुष सर्विस वोटर 1,04,456, वहीं महिला सर्विस वोटर 4,878 होंगे। अब चलिए आपको मतदान केंद्र की जानकारी भी बताते हैं। कुल पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे 20,629, शहरी पोलिंग स्टेशन 7,123, ग्रामीण पोलिंग स्टेशन 13,497, जबकि नए पोलिंग स्टेशन 817 होंगे। मतदान 1 अक्टूबर को होंगे, जबकि मतगणना 4 अक्टूबर को। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के चुनावी समर में चुनाव आयोग की तैयारियां तो पूरी हैं, राजनीति के मैदान में पार्टियां कितनी तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।